हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह का ठीक 10, और बस बन रही है मेरी हमेशा की तरह से चाय चाय वाय और चाय वाय पीऊँगी। फिर आज धूप अच्छी निकली है तो अयान को लेके जाऊँगी अभी धूप में ऊपर छत पे, वहीं मैं आराम से चाय पीऊँगी। तब तक अयान भी अच्छे से धूप में खेलेगा, उसके बाद आऊँगी नीचे, अयान के लिए खाना बनाऊंगी, सारा काम करूंगी। काम मैंने अभी कुछ नहीं किया है, अभी तो मैं आज आराम से मतलब उठी हूँ, आराम से नाश्ता वाश्ता इनको दे दिया है, नाश्ता सब बना लिया था। नाश्ते में मैंने बनाए थे पराठे, तो बस अभी चाय बन जाए, चाय लेके हम लोग आराम से जाएंगे छत में धूप में, थोड़ा सा धूप अयान, और देखिए उधर से चिल्ला रहा है खिलौने मम्मी। तो चलिए चाय बन जाए अच्छे से, फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं छत पे। आ जाओ, कम कम अयान, से हेलो, से हेलो मम्मी। घंटू घंटू, चलो खिलौने भी। खिलौने वन, खिलौने हियर, खिलौने हाँ, अयानु कहाँ है मॉन्स्टर कार? ये देखिए सारी जो है साइड टेबल की ड्रॉर निकाल के उसके अंदर गाड़ियां रखी जा रही हैं। चलो आप खेलो, मम्मा काम कर ले बेबी। ओके okay. और पता है मैं अपने लिए चाय बना रही थी, आपको दिखाती हूँ। चाय अपने लिए चाय बना रही थी और चाय ना उबल उबल के मैं भूल गई चाय चढ़ा के, और उबल उबल के इतनी सी चाय हो गई, ये देखिए। मैंने अपने बालकनी से निकाल तोड़ी है लेमन ग्रास, अभी इसकी मैं टी बनाऊंगी लेमन ग्रास की, ये देखिए। तो बड़ा सा पेड़ दिख रहा है, ये लेमन ग्रास का है। बालकनी खोलूंगी तो अयान भाग जाएगा, तोड़ने लगेगा, तो इसलिए मैं ना विंडो से ही तोड़ ले रही हूँ, ये देखिए। तो बस इधर मैं आ गई हूँ किचन में अपने सारे काम निपटाने के लिए। तो ये प्याज लेके आए थे, ये लेके आए थे कल रात को, तो कल रात को मैंने ना इसको पॉलीथिन से नहीं निकाला था, तो बस इधर मैंने उसको पॉलीथिन से निकाल के बास्केट में रख दिया है। उसके बाद इधर कुछ सूखे बर्तन रखे थे, उनको मैं उनकी जगह पर रख दूँगी ताकि जो मेरा किचन है वो क्लीन हो जाए। इसके बाद बस करूँगी बाकी और काम, मुझे बेड भी चेंज मतलब बेड भी साफ़ करना था। ये देखिए बेड पूरा मैसी पड़ा है, तो बस पूरा बेड साफ़ करूँगी। ये साफ़ करने के बाद लगाऊँगी पूरे घर में झाड़ू, और अयान ना दूसरे रूम में था तो बस मैं पहले इस वाले रूम में दूसरे वाले रूम में आ गई कि चलो जल्दी से इधर का कर देती हूँ, तब तक अयान उधर आराम से खेल रहा है। तो बस इधर ये जो ब्लैंकेट्स पड़े हैं इनको सही से करके रख दूंगी, चादर साफ कर दूंगी, उसके बाद फिर लगाऊंगी मैं पूरे घर में झाड़ू। तो झाड़ू वगैरह मैंने लगा ली थी, बेड साफ़ कर दिया, लगभग मेरा 50% तक काम हो गया था। तो बस इधर बारी आ जाती है अयान के लिए लंच बनाने की। तो पहले तो मैं आलू गोभी मटर डाल के उसके लिए तहरी बनाने वाली थी, बट अयान बोल रहा था कि उसको पराठा आना है, तो बस मैंने सोचा कि तहरी रहने देते हैं, फिर इसकी जो मैं सब्ज़ी कर देती हूँ। तो बस सब्जियां मैंने काट ली गोभी आलू को, बस इधर अयान के लिए मैं जल्दी से सब्ज़ी बना दूंगी। और इसमें ना मैं प्याज नहीं डालूंगी, बस सिंपल से मसाले डालूंगी, जैसे जीरे से मैं मतलब ज़ीरा डाल के बनाऊंगी, और बहुत सिंपल मसाला डालूंगी, ज़्यादा मिर्ची वगैरह नहीं डालूंगी क्योंकि ये अयान को खानी है। ज़्यादा तीखी सब्ज़ी हो जाती है ना तो फिर वो खा नहीं पाता है। तो बस आलू गोभी को अच्छे से फ्राई कर दिया था, उसके बाद इसमें ऊपर से डाल दी मैंने हरी मटर,
इसको थोड़ा सा भून लूँगी, फिर इसमें मैं डाल दूँगी ऊपर से थोड़ा पानी। और ये सब्ज़ी मैंने ना ग्रेवी वाली बनाई थी, क्योंकि मुझे उसको पराठा खिलाना था, तो मैं जो ग्रेवी होती है ना उसके साथ अयान अच्छे से पराठा खा लेता है। तो बस इधर सब्ज़ी को मैंने फ्राई कर दिया है, गर्म पानी डाल दिया है, अब इसको मैं पकने दूँगी। और इधर देखिए सब्ज़ी भी मेरी पक के तैयार हो चुकी है, सब्ज़ी बन गई थी, इसको मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया। उसके बाद बारी आ जाती है सारे बर्तनों को साफ़ करने की, तो बस इधर बर्तन साफ़ कर लूँगी। और इधर जब मैं बर्तन धो के आई ना, तो देखिए अयान ने रूम में अपने टॉयज कैसे फैलाए हुए थे, और सारे खिलौने ना ऐसे एक एक करके उसके जो उसकी कार्स हैं, जो उसकी डॉल है, देखिए कैसे डॉल के हाथ पैर निकाल दिए, और जितने भी कार्स हैं उसके देखिए कैसे उसके सारे व्हील्स जो हैं निकाल के रखे हैं। और इधर देखिएगा मैं उसके सारे टॉयज रखूँगी ना, और वो तुरंत मुझसे लेके वापस से फिर से फैला देगा। मतलब इधर मैं रख रही हूँ और उसने मुझसे बास्केट लेके हाथ में और तुरंत उसको पलट दिया, कि उसका कहना है कि मेरे टॉयज को बास्केट में मत डालो, ऐसे फैले रहने दो। ये देखिए मैंने सारे टॉयज रख रही थी और उसने सारे फैला दिए, ये देखिए। तो बस इधर जो है अयान के खिलौने ऐसे फैले थे। फिर उसके बाद मैं अयान को थोड़ी देर छत पे लेके गई, क्योंकि छत में पड़े थे मेरे कपड़े, धूप अच्छी थी, सूख भी गए थे, तो मैंने जस्ट बस जल्दी से ऊपर से सारे कपड़े उतार दिए। सारा काम लगभग मेरा हो गया था, इसके बाद बस मुझे अयान को नहलाना था। और इसी के साथ इस वाले वीडियो का भी अब यहीं एंड करूँगी। मैं मिलूँगी आपसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।